गुड मॉर्निंग, और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो हिमाचल ट्रैक ट्रैवल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में आपको ले जाएंगे डलहौजी हिल स्टेशन, जो कि हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। तो हम डलहौजी हिल स्टेशन के जो सबसे बेस्ट ट्रैक है डैंडकुंड, गंजी पहाड़ी और जोत, इन तीनों ट्रैकों को इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, और किस तरह से हमने डलहौजी से डैंडकुंड और डैंडकुंड से जोत और जोत से लेकर फिर गंजी पहाड़ी का ट्रैक किया था। और गंजी पहाड़ी को जाते टाइम बीच में रास्ते में हम भूल गए थे ट्रैकिंग का रास्ता, क्योंकि जो आगे आगे मेरे भाई चल रहे थे उन्होंने रास्ता खुद ही पकड़ लिया था और मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। और जब हम रास्ता भटक गए तो उसके बाद रात के 12 बज गए थे हमें वहाँ पर पहुँचते पहुँचते, जहाँ पर गंजी पहाड़ी के नीचे मड हाउस है, चतराड़ा नाम का गांव है पंचकूला से ऊपर। तो वहाँ पर रुके थे हम रात को। तो कैसी कैसी वीडियो, कैसी कैसी जर्नी आपको पूरी देखनी ज़रूरी है, क्योंकि आप भी जाओगे कभी डलहौजी हिल स्टेशन, तो आप इन तीनों ट्रैकों को ज़रूर ही विज़िट करोगे। तो देखिए इन ट्रैकों को और चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं डलहौजी हिल स्टेशन शिमला से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। मेरा नाम है ऋषि रशाद और ये मेरे साथ मोहित खान, अल्हम्दुलिल्लाह गाइस। ये हमारा अरुण और ये हमारे सचिन और ये हमारे बड़े भाई भूपी भाई, इनको भूपिंदर बोलते हैं। तो हिमाचल ट्रैक ट्रैवल के चैनल में एक और फिर से एक और नई वीडियो आ रही है, और इस वीडियो में हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं बारी बारी बोलिए। डैंडकुंड, जोत और काला टॉप। काला टॉप नहीं, गंजी पहाड़ी जा रहे। काला टॉप कल परसों गए थे तो काला टॉप नहीं जा रहे, ठीक है। और अब तीन ट्रैक करेंगे, अभी शुरू करेंगे। ये हमारे ट्रैकिंग का सबसे बेस्ट पॉइंट, शुरू का पॉइंट, और यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं डैंडकुंड को। तो मोहित ने उठाया बैग, तो चल चलिए। देखिए ये मेरे मासी के लड़के दोनों अच्छे हैं, सुंदर है, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। दूरी है 1300 मीटर और हम जा रहे हैं ट्रैकिंग करते हुए। अभी ट्रैक शुरू ही है और इसके पीछे जो पहाड़ी दिख रही है वो पहलो क्या, जो पहाड़ी दिख रही है यहाँ मंदिर, मंदिर के पीछे जोत का ट्रैक और अभी तक बरखुरदार पीछे ये सारे। कुछ लोग ट्रैकिंग करके वापस आ रहे हैं। सबसे बेस्ट बात ये है कि आज मौसम ख़राब है और ऊपर बादल है, मतलब बहुत ही अच्छा मौसम होता है। ऐसे मौसम में ट्रैकिंग करने का मज़ा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि गर्मी में जब ट्रैक करते हैं तब डिहाइड्रेशन बहुत होती है और ट्रैकिंग में सुस्ती भी पड़ती है, चलने में भी दिक्कत होती है। और ऐसे जब ऊपर से बादल हो और थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें पड़ रही हो तो ट्रैकिंग में थक भी नहीं लगती, डिहाइड्रेशन भी नहीं होती और मज़ा बहुत आता है। बहुत देर के बाद ये देख, गरीब के बच्चे आ रहे हैं यहाँ से, बहुत ही ढीले लोग हैं, बहुत ज़्यादा ढीले आ रहे हैं मेरे जो भी अभी चले हुए हैं ना ये पार्टनर, गरीब के बच्चे सभी ढीले हैं। इधर बैठे बैठे ही थक लग गई, कम से कम 1 घंटे तक यहाँ पर ऐसे ही बैठा रहा मैं। ब्लॉग में तो डालूँगा इन गरीबों की हरकत ये वाली, क्योंकि थोड़ी ऐसे याद बनेगी ना कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ ट्रैकिंग करने में क्या मज़ा था। मज़ा तो खैर क्या, बिल लड़े हैं ये सारे मेरी तरह। एक को मैंने मंडी से उठा के ट्रैकिंग में जोड़ा है, और एक को धर्मशाला से, और एक को जोड़ा है डलहौजी से, और भाई आए अरुणाचल से, और मैं और जो मंडी से दोस्त वो आए थे शिमला से। तो टीम अच्छी बन गई है ट्रैकिंग की, अच्छी खासी टीम है। अब चलते आगे, आ तो गए हैं साथी। अब हमारा ट्रैक हो गया शुरू, क्योंकि बड़ी देर के बाद ये लोग पहुंचे मेरे साथ। अब क्या बोलते हैं भाईजान, रुकोगे तो नहीं आप लोग? नहीं नहीं, अब नहीं रुकेंगे ये लोग। ये अभी पहलानी माता का मंदिर और बिरादर मंदिर में पहुंच चुके हैं हम। ये मंदिर जय माँ पहलानी, डैंडकुंड का जो भूखे को प्यासे को पानी देने वाला मंदिर।
ये मंदिर, ये मूर्ति और ये हमारे गरीब के बच्चे हम लोग। ऐसे कैलाश दर्शन भी होते हैं, अभी धुंध है तो दिख नहीं रहे। यहाँ पे ऊपर काली माता का मंदिर, इस साइड है एक पहाड़ी, यहाँ से जोधपुर ट्रैक, यहाँ से जाएंगे हम लोग आगे। और जोत की बर्फी खाने जा रहे हैं ये लोग, चले हैं जोत को। यहाँ पर हुए गदर फिल्म की शूटिंग भाई, तो ऐसी कुछ शॉप है यहाँ पर। अब जा रहे हैं हम लोग जोत से गंजी पहाड़ी की ओर, और बीच में आएगा डैन कुंड, और बहुत लंबा सफर है। आप देखते रहो ब्लॉग, ये लोग गाइस मीठा करो और जोत की बर्फी भी है, जोत की बर्फी खाओ। ठीक है, बर्फी वगैरह खाते हैं, आप लोग बने रहो ब्लॉग में। आधे रास्ते में चलते चलते बीच पे देखिए हम लोगों ने जूते उतार दिए हैं, अब हम चलेंगे नंगे पाँव, क्योंकि बड़े भाई चल रहे थे नंगे पाँव, हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि अकेले बड़े भाई चल रहे हैं जूते उतार के, तो हम लोगों ने जूते उतार लिए। क्यों सच्ची, पाँव देखो कितने अच्छे। तो रास्ते में जाते जाते बीच रास्ते में हम नंगे पाँव चल रहे थे हम लोग, पर ध्यान से चल रहे थे। ये देखो सांप यहाँ पर चला हुआ है, देखो कैसे भाग रहा है। हेलो हेलो डूड, हे तो 5:36 हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं डैन कुंड में। डैन कुंड के ये है मंदिर, यहाँ पर पहुंच चुके हैं, नंगे पाँव पहुँचे हम लोग। चुक चुके हैं गाइस। मोहित तेरा क्या चीज़, बढ़िया लग रहा है ना, मतलब नंगे पाँव शानदार है ना। थोड़े थक चुके हैं तो कुछ डाउन सा लगेंगे आपको गाइस, इस चीज़ को इग्नोर ना कीजिएगा। हाँ मुँह सुस्त है, सुबह सोचिए कि अभी रुक जाएंगे हम लोग, जाएंगे। हाँ जी जाएंगे, जरूर जाएंगे, पूरा करेंगे गाइस। यही ये था हमारा पुलानी माता का मंदिर, जो कि डैन कुंड के सबसे ईजिएस्ट ट्रैक से आप यहाँ पर पहुँच सकते हो। तो चलते हैं, क्या बोलते हैं आपकी गंजी पहाड़ी, वो है अब हमारा तीसरा ट्रैक एक ही दिन में। कितने ट्रैक है? तीसरा भी स्टार्ट होगा, ठीक है। ड्रेशन हुई है, पानी पूनी पीते हैं, गंदे तरीके। मौसम ऐसे कुछ हो गया अभी शाम का टाइम है, हम जाएंगे अभी गंजी पहाड़ी। गंजी पहाड़ी के नीचे थोड़े जाकर चित्राड़ा नाम के गांव है, उधर हम क्या करेंगे कि
रात को स्टे उधर ही करेंगे और खाना वगैरह गांव के लोग, लोकल लोग मेरे को जानते हैं क्योंकि हमारे ऐसे गांव के लोग समझो, तो फिर वहां पर ऐसे खाना वगैरह वहीं खाकर मड हाउस में जाकर सो जाएंगे। गंजी पहाड़ी की ओर जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी लोकेशन आ रही है। मोहित वो है गंजी पहाड़ी, वो है नीचे, यहाँ से जाएंगे हम लोग यहाँ से घूमते हुए, और वो है गंजी पहाड़ी। डायन कुंड कहाँ है? डायन कुंड, अरे वो है उधर पीछे रह गया। चल तो इसको फिलहाल इसको समझो, डायन कुंड ये देख छोटा सा आ गया है। डायन देख, नहीं तो खुद को मान ले डायन, देख वो खुद को डायन मान ले, और ये कुंड आ गया, ये कुंड आ गया, बन गया डायन कुंड। यस चिरकुंडा, पर तेरा भाई ये गंदा ही, और ये भालू। ठीक ही खाई, उसे देखो कितनी खाई दिख रही है, ये देखो गलती से गिर गए तो खत्म। वो देखो ना क्या ही बच्चे की तरह दिख रही। ओके तो आपने देख लिए, तीन ट्रैक तो देख ही लिए। अब जो अभी ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं हम लोग, अब करेंगे हम गंजी पहाड़ी को ट्रैकिंग, पर वो ट्रैकिंग हो गई थी रॉन्ग साइड की ओर, और अब आपको ले जाएंगे हम गंजी पहाड़ी की दूसरी ओर, पहाड़ियाँ हैं उनको कवर करके फिर रात को पहुँचेंगे गंजी पहाड़ी, और फिर ले जाएंगे आपको चित्राड़ा गाँव। तो ये वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो को करें इंतज़ार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो को शेयर करें, एंड अगली वीडियो का इंतज़ार करें।